start with the name of allah who is the most beneficent and the most merciful assalamu alaikum welcome in the desert rose psyche youtube channel hope everyone will be fine and with the good health myself inza farooq and today the lecture topic is coronary artery disease and the subtopics are the angina stable unstable angina stable angina myocardial infarction and the other topic that lead to the death is the uh, first of all uh, stabus angina unstable angina myocardial infarction heart failure arrhythmia and then the sudden death these are the factors that leading to the death नाव वी विल डिस्कस stable angina. What is the stable angina? Stable angina basically आपका एंजा पैक्टोरस होता है हमारे पास ये मोस्ट कॉमन टाइप है आपकी एंजाइना की अब एंजाइना क्या होता है हमारे पास हमारे पास बेसिकली होता है चेस्ट पेन होता है जब भी आपको चेस्ट पेन फील होता है तो दैट्स मीन की वो एंजाइना है ठीक है जब भी आप आ, को आ, कोई भी ऐसा पैटर्न जो बेस कर रहा है कि आपको पेन फील हो रहा है आपकी चेस्ट में तो वो आपका एंजाइना होता है और जो एंजाइना होता है इसको आप मैनेज कर सकते हैं इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो ईजिली क्या हो जाते हैं हमारे पास रिलीज हो जाते हैं ठीक है इजीली कुछ टाइम बाद इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं अब कॉजे क्या क्या आ जाती है हमारे पास स्टेबल एंजाइना की जब हमारे पास जो हार्ट मसल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं जा रही तो वो फंक्शन भी प्रॉपर नहीं करेंगे जब उनको ऑक्सीजन नहीं जा रही है क्योंकि हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है जैसे हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए होती है वैसे जो हार्ट के मसल्स होते हैं उनको भी वैसे ही ऑक्सीजन चाहिए होती है तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो उसकी वजह से वो प्रॉपर फंक्शन भी नहीं परफॉर्म करते हैं आपका जो हर्ट होता है हर्ट होता है हमारे पास वो क्या करता है कि वर्क हार्डर करता है हमारे पास जब भी कोई एक्सरसाइज देखें जब भी आ, आप कोई वीडियो से एक्सरसाइज करते हैं ठीक है तो उसके बाद क्या होता है कि आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ होती है क्योंकि आपका जो हार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हार्डली वर्क कर रहा होता है या या फिर आप जब किसी इमोशनल स्ट्रेस से पास आउट हो रहे होते हैं तो ये वाली चीज़ें जो होती हैं वो आपके जो हर्ट होता है उसमें क्या कर रहा होता है हार्डली वर्क कर रहे होता है अदर जो सर्टन फैक्टर्स आ जाते हैं उसमें क्या आ जाते हैं नर्विंग ऑफ द आर्ट्रीज़ आ जाती है आर्थियोसिकलॉर्सिस आर्थियोसिक्लॉसिस बेसिकली हमारे पास वो कंडीशन होती है जब आपका जो फैटी प्लेक्स होते हैं आपकी आर्टरीज होती हैं ठीक है थीके? जब देखें उनमें से ब्लड पास हो रहा है ठीक है अब अब उनमें उनमें क्या हो हो गया कि फैटी प्लेक्स जमना शुरू हो अंदर की तरफ तो आर्टरी नैरो हो जाएगी तो ब्लड क्या होगा ब्लड बहुत कम पास होगा ठीक है तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि आपकी जो ऑक्सीजन होती है वो इतनी ज्यादा पहुंच नहीं पा रही होती है आपके हार्ट तक ठीक है तो आर्टरीज आपकी नैरो हो जाती हैं हार्ड हो जाती है जब उनके ऊपर प्लेक आ जाता है फैट का कोलेस्ट्रोल या कैल्शियम या अदर सबस्टांसिस का आ जाता है तो वो आपकी आर्टरीज की जो वॉल होती है उनके अंदर हो बनना शुरू हो जाते हैं ठीक है तो ब्लड क्लॉट्स जो होते हैं हमारे पास वो आपकी ब्लॉक करते हैं किसको आर्टरीज को और रिड्यूस करते हैं फ्लो ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड टू हार्ट में देन हमारे पास सिम्टम्स आ जाते हैं सिम्टम्स क्या होते हैं पास, engineer, हो हमारे पास ड्यूरिंग द एपिसोड ऑफ़ स्टेबल एंजाइना यू मे एक्सपीरियंस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी हमारे पास यानी कि सांस से एक तरह नहीं आएगी ठीक है दूसरा क्या होगा नोजिया नोजिया क्या होता है हमारे पास कि फीलिंग ऑफ वोमिट होगी ठीक है जैसे वोमिट uh, आ रही है लेकिन होगी नहीं आपको फटीक होता है सबसे ज़्यादा थकावट होती है डिजीनेस होती है प्रोफ्यूज स्वेटिंग uh, होगी आपको एनजाइटी हो जाएगी ठीक है स्टेबल एनजाइना जो होता है वो यूजली हैपन होता है जब आ, आप क्या कर रहे थे हैं आफ्टर यू हैव एग्जॉटिड योर सेल्फ फ़िजिकली जब आप होते हैं uh, मतलब कोई भी uh, काम कर रहे हैं उसके बाद आपको स्टेबल एंजाना आता है ठीक है और ये जो सिम्टम्स होते हैं ये टेम्प्रोरली होते हैं हमारे पास मोस्टली लास्टिंग आप अगर भी रहते हैं तो पंद्रह मिनट तक रहते हैं मोस्ट केसेस के अंदर और देन आपके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं सॉल्व हो जाते हैं अगर अनस्टेबल एंजाइना होता है तो उसमें जो पेन होता है वो कॉन्टिन्यूस भी होता है और स्वेयर पेन होता है आपका ठीक है रिस्क फैक्टर्स जो हमारे पास आ जाते हैं स्टेबल एंजाइना के ओवर वेट की वजह से भी स्टेबल एंजाइना हो सकता है अगर फैमिली हिस्ट्री है मतलब किसी फैमिली में अगर किसी को हार्ट डिजीज़ है तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि जेनेटिक की वजह से भी हेरिडटरी फैक्टर की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है अगर कोलेस्ट्रोल लेवल बहुत ज़्यादा है या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा उसकी वजह से भी हो सकता है अगर पेशेंट जो है वो डायबिटिक है आपका ठीक है उसको उसका शुगर लेवल हाई है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम कॉज होती है स्मोकिंग जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम होती है या जो लोग जिनका सेडेंड्री लाइफ स्टाइल होता है जो एक्सरसाइज प्रेफर नहीं करते या एक्सरसाइज करते ही नहीं है बिल्कुल भी और बस वो क्या करते हैं कि उनका सैडेंड्री लाइफ होता है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है जो लोग हैवी मील्स लेते हैं और विग्रस या बहुत ज़्यादा एक तो होता है ना मॉडरेट लेवल की एक्टिविटी उसको छोड़ के तो विग्रस लेवल की जब एक्टिविटीज़ या वर्कआउट करते हैं उसकी वजह से भी और एक्सट्रीमली हॉट और कोल्ड वेदर की वजह से भी आपका जो स्टेबल एंजाइना होता है वो ट्रिगर करता है इन केसेस को इन्वेस्टिगेशन में जो हमारे पास आ जाती है वो ईसीजी आ जाती है एंजियोग्राफी स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट किया जाता है और सी किया जाता है आपके ये सारे जो टेस्ट है वो इन्वेस्टिगेशन में किए जाते हैं कि ये है भी डिजीज़ है या नहीं है ट्रीटमेंट के अंदर जो लाइफ स्टाइल मॉडिफ़िकेशन सबसे पहले हम इम्प्रूव करवाते हैं कि अगर कोलेस्ट्रोल लेवल बढ़ा हुआ है तो हम कोलेस्ट्रोल लेवल को कम करेंगे ठीक है ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करेंगे अगर पेशेंट डायबिटिक है तो उसकी शुगर लेवल को कंट्रोल करेंगे ये सारी चीज़ें जब हम मैनेज करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आ, जो आ, थोड़ी सी ना इसमें क्या हो जाएगी प्रिवेंशन हो जाएगी यानी कि ज़्यादा जो डिज़ीज़ है वो इतनी आ, आगे की तरफ प्रोलॉन्ग नहीं रहेगी फार्माकोलॉजिकल थेरेपी आ जाती है इसमें नाइट्रेट शॉर्ट एक्टिंग जीटीएन दी जाती है हमारे पास और लॉन्ग एक्टिंग के अंदर हमारे पास क्या होती है सस्ट्रेंड रिलीज दिया जाता है इसका और आइसोसॉर्बाइड दी जाती है हमारे पास और नाइट्रोडर्म होती है हमारे पास एंट्रांस थर्मल पैचज़ होते हैं बीटा ब्लॉकर्स जो होती है हमारे पास फर्स्ट लाइन थेरेपी होती है फॉर द क्रॉनिक एंजाइना के लिए क्रॉनिक एंजाइना बेसिकली वो एंजाइना होता है हमारे पास जो बहुत लॉन्ग टाइम से आप को मतलब बार बार अटैक्स आ रहे हैं हार्ट अटैक आपको हो रहा है मतलब बार बार जब आपको अटैक्स आते हैं आपको चेस्ट पेन हो रही है तो उसका क्या मतलब होता है कि वो आपका क्रॉनिक एंजाइना हो गया ठीक है तो उसमें सबसे पहले जो लाइन है हमारे पास ट्रीटमेंट थेरेपी की वो हम क्या देते हैं बीटा ब्लैक ब्लॉकर्स देते हैं एथिनोनॉल देते हैं हमारे पास पर डे होती है और मेट्रोपो प्रोपोनॉल देते हमारे पास ये भी यूज़ की जाती है और मतलब आप इनको विड्रॉन भी कर सकते हैं सिसी भी आ जाती है हमारे पास और इसमें डाइन आ जाती है हमारे पास एम्लोडिपाइन आ जाती है हमारे पास ये वंस uh, डेली दी जाती है वेरापेमल आ जाती है वेरापेमल के आपको इंजेक्शन भी मिल जाता है ठीक है तो वो भी लगाया जाता है वेरापेमल इंजेक्शन कम्बीशन थेरेपी में बीटा ब्लॉकर और वैरापेमल जो होते हैं वो शुरू भी अवॉइड किए जाते हैं इन दोनों को एक साथ नहीं दिया जाता है या तो आप uh, ऐसा होता है कि uh, बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं वैरापेमल का इंजेक्शन दे सकते हैं ठीक है क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स के अंदर क्या होती है हमारे पास स्माल अमाउंट ऑफ डिल्टी आजम होती है हमारे पास और एम्फोडाइपलिन एंड नाइफीडाइपाइन जो होती हैं वह कम्बाइन होती हैं किसके साथ 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 नाइट्रेट्स विद बीपी के साथ होती है। तो एस्प्रीन दे सकते हैं एस्प्रीन उन लोगों को दे सकते हैं जिनका जो है वो ब्लड प्रेशर का इशू है या फिर क्या है कि ब्लड क्लॉट्स या इस तरह की तो एंटी प्लेटलेट्स होती हैं प्रिवेंट करती है थ्रोम्बोसिस है यानी कि ब्लड के क्लॉट्स बने तो उनको तोड़ने के लिए जो होती है वो होती है सर्जरी में गैप्स की जाती है और एंजियोप्लास्टी जो होती है वो लास्ट स्टेज होती है आपकी